मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर में चोरी करने से पहले चोर ने हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद मांगा और फिर 6 अष्ट धातु की मूर्तियां और दान पात्र का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए चुरा कर ले गया। चोरी की यह घटना मंदिर से लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें, जिले की परिहार थाना इलाके में स्थित परिहार गांव में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। बीती रात एक चोर ने इस मंदिर को अपना निशाना बनाया था। चोर मंदिर में स्थापित 6 अष्ट धातु की मूर्तियां और दान पत्र का ताला तोड़कर चढ़ावे के लगभग 2 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। शातिर चोर ने महज 10 मिनट में मंदिर की दान पेटी से रखे 2 लाख रुपए निकाल लिए। इसके साथ ही अष्ट धातु की 6 मूर्तियां भी ले गया। जब आज सुबह मंदिर के पुजारी पूजा करने के लिए पहुंचे तो 2 दान पेटी का ताला टूटा हुआ मिला। इसके साथ ही मूर्तियां भी गायब मिली। जब मंदिर में लगे सीसीटीवी के फोटेज देखी तो सीसीटीवी में एक चोर चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलते परिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फोटेज के माध्यम से इस चोर को पकड़ने की तलाश भी जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द चोर गिरफ्तार में आएगा। एक है हैं? हाँ, यही आया था दिन में, आज कल सुबह आया था। यही था आज आने जाने जो छत्र पुलिस वाले ही हैं, छत्र पहचान सर तो कोई गांव का ही है। हाँ, देख इसमें आकाश है क्या? जी द्वारा गया जी, किसको किसका कि तुम ही हो? अपना जी चीज में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, सब चीज में हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो पन्नी किताब है, उसको हटा रहा है। पुस्तक वगैरह रहती है, मुझे कि बुलाए अच्छा सब हटा दिया। हां, पेड़ रहता है यार, तभी मिल रहा है। एक पीछे है ये, उसको उठा रहा है। जाके आगे एक और कैमरा लगाया था। हां, आगे भी लगाया देता है। अभी यहाँ से और सामान भी तो उठाना है, इसको क्यों उठा लिया? नहीं, अब आ रहा है।